पहला ये बात कि अकाउंटिंग है क्या, थोड़ा मोड़ा जानते हैं अकाउंटिंग की, बस सब बड़े कंपनी इतना जानते हैं कि कंपनी में जो इतना अकाउंटिंग होता है, हिसाब होता है, उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट संभालता है, सबसे ज़्यादा ही सुनते हैं ना, एकदम सही सुनते हैं, लेकिन उसका क्या है, उसका समराइज समझिए। तो हम इसको बहुत, हम जो एग्जाम्पल देंगे ना, एकदम आपको एकदम घरेलू एग्जाम्पल देंगे, बड़ा एग्जाम्पल नहीं देंगे, आपको साफ समझ में आएगा। जैसे आपके घर में बर्तन स्टैंड है, आपको एक बता दिए थे, तीन ही दिए थे एग्जाम्पल। हाँ, बर्तन स्टैंड का काम क्या है, बर्तन कैरी करना नहीं, सिस्टमेटिक वे में रखना, बर्तन को सिस्टमेटिक वे में रखना। अगर बर्तन स्टैंड नहीं रहेगा तो बर्तन तो सारा रखा हुआ है, लेकिन हमको एक बर्तन निकालना पड़ेगा तो पूरा उथल पुथल हो जाएगा और टेंशन रहेगा, हम सब निकाल ही नहीं पाएंगे। उसके लिए एक चम्मच अगर अंदर पड़ा है तो पूरा उकटना पड़ जाएगा, गलत की सही। तो हम लोग उसके लिए बर्तन स्टैंड का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग बर्तन को सिस्टमैटिक वे में उसके रूल्स के हिसाब से रखते हैं। और तो क्या होता है, हमारा कोई भी जो एक्सेस होता है बहुत ईजी हो जाता है, कोई भी चीज़ निकालना होता है तो हम क्विक एक्सेस कर लेते हैं और सारा दिखता है कहाँ पर क्या है, तुरंत 1 सेकेंड में, 1 मिनट में हम लोग कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। अलना जानते होंगे, अलना अब गांव घर में चलता है, अभी भी टाउन में तो बंद हो गया। अलना, अलना बंद हो गया, पहले पहले टाउन में भी चलता था, अब तो अब कवर्ड चलता है टाउन में। गांव घर में अलना होता है, अलना एक लकड़ी का बना होता है, बर्तन स्टैंड की तरह होता है, लकड़ी का होता है बना हुआ, उसमें भी अलग अलग कॉलम होता है, मोजा रखने के लिए अलग, साड़ी रखने के लिए अलग, फुल पैंट रखने के लिए अलग, अलग टाइप का होता है वो, लकड़ी का बेंत का बना होता है। उसमें कपड़ा रखिएगा तो उसमें भी वही सेम चीज़ है, जैसे कपड़ा रखा रहेगा तो एक कपड़ा ढूंढने में आपको हालत खराब हो जाएगा, लेकिन उसमें आप सिस्टमेटिक वे में रख देंगे तो जो कपड़ा चाहिए हमको तुरंत निकल जाता है। कवर्ड भी ले सकते हैं उसको आप। तो अकाउंटिंग भी क्या करता है ना, हम लोग लाखों ट्रांजेक्शन करते हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। अगर नॉर्मल का ट्रांजेक्शन खाली कॉपी पर लिख के रख लेना तो एक्सेस करना बहुत मुश्किल है, कोई चीज़ पहचानना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सिस्टमेटिक वे में इसको भी हम लोग रखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए वो काम का इन्फॉर्मेशन में से निकाल लेते हैं। तो सिस्टमेटिक वे में रखना ही अकाउंटिंग कहलाता है, उसको ऐसे सिस्टमैटिक वे में रखते हैं, सिस्टमैटिक वे में रखना प्रोसेस कहलाता है, उसको ऐसे प्रोसेस करते हैं सिस्टमैटिक वे में आ जाता है और सारा रिजल्ट हमारे सामने दिखता है। तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलेंगे और आपको साफ समझ में आ जाएगा, बस छोटा सा एग्जाम्पल है, बस अकाउंटिंग उसी का बड़ा रूप होगा। लाखों ट्रांजेक्शन होंगे, हम 5-6 एग्जाम्पल लेके चलते हैं, बताएंगे अकाउंटिंग वर्क कैसे करता है, तो बहुत सारा पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो डरना नहीं है, ये आपको हम सिखा नहीं रहे अभी, हम जो क्लास लेंगे सिखाएंगे नहीं, क्या करेंगे हम आपको सिर्फ बताएंगे कि कार क्या है, आपको कार में बैठा भी देंगे और बोलेंगे देखिए ऐसे स्टार्ट होता है, ऐसे एक्सीलेटर है, क्लच है, गियर है, 1 2 3, आपको पूरा स्पीड कार चला के भी दिखा देंगे। कि मैं सोचिए साला हमको तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, हम तो नहीं सीखे, अभी सिखा कौन रहा है, अभी सिर्फ बता रहा है कार चलता कैसे, उसको धीरे धीरे सिखाएंगे फिर। समझ पा रहे हैं आप बात, समझे? तो डरना नहीं है, अभी हम सिखा नहीं रहे, खाली बता रहे हैं अकाउंटिंग वर्क कैसे करता है, उसको हम लोग फिर वही तो सीखेंगे 2 साल में हम लोग, ठीक है ना? तो डरना नहीं है कि हम नहीं सीखे, सिखा नहीं रहे हम आपको, सिर्फ बता रहे हैं। तो सबसे पहला अकाउंटिंग में जो फर्स्ट स्टेप होता है ट्रांजेक्शन होता है, बर्तन की जगह पर हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हम लोग ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, जहां भी पैसा इन्वॉल्व है और आ रहा है जा रहा है। और दूसरी बात, अकाउंटिंग का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जिस जिस भी ट्रांजेक्शन में पैसा इन्वॉल्व नहीं उसको हम लोग लिखते ही नहीं है, सिंपल मॉनिटरी टर्म्स को रिकॉर्ड करते हैं, सब सिखाएंगे, खाली बता रहे हैं। जिसमें पैसा नहीं है उसको हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, अभी आपको जोर का थप्पड़ मारेंगे, कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, पैसा है ही नहीं, कहीं पैसा इन्वॉल्व है, कुछ नहीं है, हम बड़ा सा पत्थर ला के रखेंगे, पैसा इन्वॉल्व है नहीं, लेकिन पंखा खरीदेंगे तो लिखेंगे उस पैसा इन्वॉल्व है। तो जिसमें पैसा, सब समझाएंगे कॉन्सेप्ट। तो ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी पैसे का लेन देन, पैसा जाना या पैसा का बिजनेस में आना ट्रांजेक्शन कहलाता है, सिंपल तौर पर समझ पा रहे हैं। तो हम जैसे एग्जाम्पल लेते हैं सीए गुरुकुल, एकदम रियल एग्जाम्पल ले रहे हैं, सीए गुरुकुल है, सीए गुरुकुल जब स्टार्ट किए होंगे तो क्या हुआ होगा, सबसे पहला हम इसमें कैपिटल लगाए होंगे, जो पैसा मालिक लगाता, सब एक एक टर्म सीखेंगे हम लोग, अभी शॉर्टकट सीख रहे हैं, डरना नहीं है, खाली हल्का समझ में आ रहा है तो सफिशेंट है। सबसे पहला क्या हुआ होगा, हम इसके मालिक हैं तो हम पैसा लगाए होंगे, तो मालिक जो पैसा लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं ना। सपोज कीजिए हम 2 लाख रुपया कैपिटल लगाए, तो बिजनेस में पैसा आया, एक ट्रांजेक्शन हुआ, हमको लगा 2 लाख से नहीं चलेगा, बिजनेस बड़ा करना है, थोड़ा हाईटेक बनाना है, तो हमको लगा 5 लाख लगेगा, तो हम 3 लाख रुपया क्या कर लिए, लोन ले लिए कहीं से। कितने का लोन ले लिए, 3 लाख, हमारे पास कितना पैसा आ गया, 5 लाख। अब हमारे पास 5 लाख आ गया, हम सोचे क्या करना है, तो पूरा फर्निश्ड करवाना है, फर्नीचर का मतलब सब कुछ इंक्लूड, एक एक पॉइंट नहीं बता रहे, फर्नीचर का मतलब क्या, ग्रुप। तो हम क्या कर दिए, फर्नीचर परचेज, हम क्या कर लिए, फर्नीचर खरीद लिए, तो फर्नीचर परचेज्ड, 4 लाख का फर्नीचर खरीद लिए, सब कुछ हो गया, हम पढ़ाना शुरू कर दिए, बच्चे आने लगे पढ़ने लगे, ठीक है, इसके बीच कोई ट्रांजेक्शन हुआ नहीं, बच्चे आने लगे पढ़ने लगे,
पढ़ने लगे, महीना लग गया, महीना लग गया तो हमने क्या किया, बच्चों से फीस मांगा था, हमारा फी रिसीव्ड हो गया, कलेक्शन हुआ हमारा फी रिसीव्ड 50,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, फी जब आ गया तो रेंट वाला बोला, रेंट मकान मालिक बोला आप रेंट पेड कर दिए, तो हम रेंट रेंट पेड कर दिया 20,000 रुपये। स्टाफ लोग बोला सैलरी पेड करने के लिए, हमने स्टाफ को सैलरी पेड कर दिया, और इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड कर दिया। ऐसे ट्रांजेक्शन ऐसे ही होता है ना, अब ये कोई काम का नहीं है, ये सिर्फ ट्रांजेक्शन है, इससे हम कुछ पता नहीं चल रहा है, इसको हम लोग प्रोसेस करेंगे और वही स्टैंड में सजाएंगे, कैसे देखिए ध्यान दीजिए। तो हम जो बता रहे हैं वो आपको फिर पिक्चराइज करा रहे हैं, अकाउंटिंग में वैसे करते नहीं, लेकिन अंदर अंदर क्या होता है वो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। अंदर अंदर अकाउंटिंग क्या होगा, सबसे पहला अकाउंटिंग में कुछ ट्रांजेक्शन दिए रहेंगे जिसको हम लोग प्रोसेस करेंगे, तो प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करेंगे तो क्या करेंगे, जितना भी ट्रांजेक्शन है तो आप लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं, हमारे पास ट्रांजेक्शन क्या क्या है, कैपिटल है कितने का 2 लाख का, लोन है 3 लाख, फर्नीचर है कितने का 4 लाख का, उसके बाद फी 50,000, रेंट 20,000, सैलरी 10,000, और इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,000। वेद आप नहीं बोल रहे हैं, हाँ थोड़ा सा बोलेंगे तब अच्छा लगेगा। चलिए इसको प्रोसेस करेंगे, तो प्रोसेस कैसे होता है, एक प्रोसेस का एग्जांपल समझ लीजिए, आटा चक्की देखे होंगे, आटा चक्की में क्या होता है, ऊपर से गेहूं देते हैं नीचे आटा निकलता है, तो बीच में कुछ होता है, क्या होता है वो प्रोसेस, उसी को प्रोसेस बोलते हैं। कंप्यूटर में समझेंगे हम डेटा एंट्री करते हैं, प्रोसेस करके रिजल्ट बाहर देता है, प्रिंट आउट जो है रिजल्ट है, समझे, तो प्रोसेस करेंगे, तो आटा चक्की की तरह ही समझिए इसको, ये आटा चक्की का ऊपर वाला जिसमें गेहूं डालते हैं, देखे हैं कि नहीं, ऐसे ही होता है ना, आप देखेंगे नहीं, सुरभि कहाँ पे देखे हैं, गाँव में फोन पे देखे, ऐसे नहीं देखे हैं पहले तो टाउन में, वो तो अब तक धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, अब तो सब आशीर्वाद और किशन को क्या क्या आटा आता है, तो पहले सब गेहूं पिसाते थे, गेहूं है ये अभी काम का नहीं, अभी इसको प्रोसेस करेंगे। तो अकाउंटिंग फर्स्ट इससे जो प्रोसेस करता है ना, पहले इसको ये 2 पार्ट में डिवाइड करता है, इसमें से क्या करता है ये रिसीप्ट को अलग छांट लेता है और पेमेंट को अलग छांटता है, रिसीप्ट और पेमेंट। तो आप बताइए इसमें रिसीप्ट कौन है पेमेंट कौन है, पहला कौन है पहला दूसरा कौन है, कैपिटल क्या है, रिसीप्ट की पेमेंट है, बिजनेस पैसा आएगा क्या, आया ना बिजनेस में, नहीं कैपिटल हमने बिजनेस को दिया, बिजनेस में आया ना, सीए गुरुकुल के बुक में एंट्री कर रहे हैं हमने, अच्छा, दिया हाँ, सीए गुरुकुल के पास आया तो सीए गुरुकुल के बुक में एंट्री कर रहे हैं ना हम, यहाँ पे क्या लिखे हैं सीए गुरुकुल, तो सीए गुरुकुल पे आया, इसका मतलब कि कैपिटल रिसीप्ट है, तो कैपिटल 2 लाख रुपए आया, लोन से पैसा आया कि गया, आया लोन से भी आया ना सीए गुरुकुल पैसा, रिसीप्ट है ना 3 लाख रुपए आया, फर्नीचर से क्या है गए, हमको लगा था कि बिहार बोर्ड में यहाँ इसे रखेंगे नहीं वाला, तो बोलेगा आया, बिहार बोर्ड से कॉपी करते रहते यहाँ लिखेंगे ना, तो बोलेगा आया, समझे, अपना दिमाग नहीं लगाता बहुत तकलीफ होता है। तो पेमेंट से फर्नीचर क्या हुआ 4 लाख रुपया मेरा गया, फी क्या हुआ आया कि गया, फी क्या हुआ आया, तो रिसिप्ट है, फी हमारा रिसिप्ट है, रेंट गया, पेमेंट है रेंट, रेंट हमारा पेमेंट है, सैलरी वो स्टाफ का है या आपका, नहीं किसी का भी हो, हम मेरा भी होगा तो गया यहाँ से, अब बिजनेस सीए गुरुकुल का बात कर रहे हैं, सीए गुरुकुल से तो गया ना, किसी भी तरह से गया, समझे आप, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये भी पेमेंट है ना, पैसा गया, गया मतलब पेमेंट, रिसिप्ट का मतलब पैसा का आना, पेमेंट मतलब पैसा का जाना है, कॉमन सेंस है। तो हम लोग पहले स्टेप में क्या करते हैं, रिसिप्ट पेमेंट को छांट लेते हैं, अकाउंटिंग छांट लेता है, रिसिप्ट पेमेंट को अलग अलग छांट लेता है पक्का, फिर से एक प्रोसेस करता है, अब रिसीप्ट को छांटने के बाद फिर से एक प्रोसेस, सेम जैसे ही प्रोसेस किया ना फिर से एक प्रोसेस करेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, समझ में आएगा आपको अकाउंटिंग, ये लेक्चर शायद आपको देखने कहीं नहीं मिलेगा ये, क्योंकि ऐसा कोई मेथड ही नहीं है, हम आपको पिक्चराइज करा रहे हैं एक एज ए प्रैक्टिकल लाइफ, ऐसा कोई है नहीं अकाउंटिंग में, यूट्यूब पर खोलेंगे तो सब चीज़ दिखेगा नहीं, ऐसा कभी नहीं श्योर 100% करनी थी, ऐसा कुछ है नहीं, हम आपको खाली पिक्चराइज करा रहे हैं, नहीं समझे। चलिए अब क्या करेंगे, फिर से प्रोसेस, अभी तो हम पहले प्रोसेस में क्या किया, अकाउंटिंग आपको सारे ट्रांजेक्शन को लिया और सबसे पहले स्टेज में क्या किया, रिसीप्ट को अलग कर दिया, पेमेंट को अलग कर दिया, ठीक है। अब क्या करें, क्यों ऐसा किया, इसके बाद और प्रोसेस करेगा, अब क्या करता है प्रोसेस में, इसमें से
जो कुछ रिसिप्ट ऐसे होते हैं ना जो कि रिफंडेबल होते हैं, रिफंडेबल, और कुछ होते हैं नॉन रिफंडेबल। शॉर्टकट में लिख दें, यहां भी वही चीज होगा, कुछ रिफंडेबल और कुछ नॉन रिफंडेबल। रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल का मतलब समझिए, कुछ पैसा हमारे पास आता तो है लेकिन हमको वापस करना होता है, कुछ पैसा जो आता है हमको वापस नहीं करना होता, वो हमेशा के लिए हमारा हो जाता है। जैसे कैपिटल, हमारे पास सीए ग्रुप आया तो है लेकिन बिजनेस बंद होगा तो सीए गुरुकुल को पैसा वापस करना पड़ेगा, कुंदन गुप्ता को। पक्का डोल नहीं है, पैसा तो आया है लेकिन वापस करना पड़ेगा। लेकिन जो ट्यूशन फीस आया है, क्या हम आपको वापस करेंगे? सीए ग्रुप आपको वापस करेगा? नहीं। समझ रहे चीज? तो हमारे पास दो तरह का पैसा आता है, कुछ पैसा जो आता है उसको वापस करना होता है, कुछ पैसा जो आता है हमको वापस करना नहीं होता है। समझ पा रहे हैं आप? तो छांटेंगे तो इसमें कैपिटल, इस कैटेगरीज में कैपिटल आ गया, 2 लाख कैपिटल आ गया, और लोन इस कैटेगरीज में आ गया, और फी किस कैटेगरीज में आ गया? नॉन रिफंडेबल में नहीं, फी इसमें आ गया। इस समझे पॉइंट? वेद समझे कि नहीं आप? यहाँ पे क्या समझे? हाँ पे अगर रिफंड करना होता है उसमें रिसीप्ट के रिसीप्ट के अंदर ही कुछ पैसे हमारे पास आए हैं, अंदर, इसको बाद में फिर समराइज करेंगे एक बार। हाँ कुछ वापस पैसा करना पड़ता है। वापस करना पड़ता है, वापस करना है लेकिन हमारा नहीं है, वापस करना है, और कुछ पैसा है और हमारा ही है, हमको वापस नहीं करना है। जैसे हमारे पास ट्यूशन फीस दीवा, जैसे आपके पापा रेंट लगाए हुए हैं, रेंट रिसिप्ट, आप समझ रहे हैं आप? जैसे कि बैंक में पैसा रखे हुए, इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट रिसिप्ट, कहीं आप बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहे, ट्यूशन फीस रिसिप्ट, कहीं जॉब कर रहे हैं, सैलरी रिसिप्ट, जो पैसा आता है तो क्या लगता है वापस करना है? नहीं करना है। लेकिन आप बैंक से लोन लिए, शर्मा जी से लोन लिए, गुप्ता जी से लोन लिए, सब क्या होगा? पैसा तो आया लेकिन गया, मतलब पैसा आ रहा है हमारे पास। लेकिन पे बैक करना है ना हमको। आप कंफ्यूज हो गए, पे बैक करना है ना? आपका ध्यान भटक गया था, किधर भटक गया था ध्यान? आप पहले जो एग्जांपल लिए थे, जो पैसा आया आपके पास, जैसे कि आप किसी बच्चे को ट्यूशन दे रहे हैं, ट्यूशन फी आया, जो पैसा आया क्या वापस करना है? नहीं करना है। पापा रेंट पे लगाए हुए, रेंट आया, क्या किरायादार को रेंट वापस करना है? बैंक में पापा पैसा रखे, उस पर कुछ बैंक इंटरेस्ट दिया, वापस करना है? नहीं करना है। कहीं जॉब कर रहे, कहीं सैलरी मिला, सब नहीं करना है। लेकिन आप कहीं बैंक से लोन लिए, शर्मा जी से लोन लिए, अपने फ्रेंड से लोन लिए, वापस करना है। तो इसमें क्या होता है ना, इसको क्यों छांटते हैं पता है? ये जो वापस करना होता है ना, वो हमारे लिए बन जाता है लाइबिलिटीज। वो क्या है बिजनेस में हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं? लाइबिलिटीज। और जिसको वापस नहीं करना होता है आपका बन जाता है इनकम। इनकम ये होता है इनकम, और ये होता है लाइबिलिटीज। मतलब कि जो पैसा आया हमारे पास आया, तो हम देखते हैं क्या ये पैसा वापस करना है, अगर करना है तो लाइबिलिटीज, अगर नहीं करना है तो इनकम। तो लाइफ में कभी भी आप लाइबिलिटीज और इनकम को पहचान लीजिएगा। जो पैसा आता है वो सारा इनकम नहीं होता है, उसमें कुछ लाइबिलिटीज होते हैं और कुछ इनकम होता है। बात समझे यहाँ पे चीज? तो रियल एग्जाम्पल में कुछ भी समझ जाइएगा। कितना एग्जाम्पल तो दे दिए, रेंट रिसीव्ड सबसे से लिखा हुआ है, नोट्स में सब लिखा हुआ है, बताएंगे। रेंट रिसीव्ड, फी रिसीव्ड, ऑटो फेयर रिसीव्ड, सब सब क्या है? सब हमारा पास पैसा का देना नहीं है, इनकम है। ऐसा पैसा जो वापस करना है लाइबिलिटीज है। उसी प्रकार पेमेंट में भी देखिए, कुछ पेमेंट ऐसा करते हैं ना जिसमें से कुछ पैसा, मतलब कुछ पैसा वापस आ सकता है, किसी में से 1 रुपया भी वापस नहीं आएगा। तो फर्नीचर खरीदे हैं, तो फर्नीचर खरीदे हैं तो फ्यूचर में इससे कुछ पैसा वापस आ सकता है कि नहीं आ सकता है? नहीं आ सकता। अभी फर्नीचर 4 लाख रुपए का लगाए, इसको हम 10,000 में देंगे तो आप नहीं लेंगे? इसको भी हम 1,000 रुपए में देंगे तो नहीं लेंगे? आप टिकटॉक लाइट सर सर ले लेंगे, मत बेचिए सर, हम तुरंत फोन करेंगे, भैया पैसा लेके आओ ना, 1,000 रुपये गलत की सही आएगा कि नहीं आएगा? तो फर्नीचर भी रिफंडेबल नेचर का होता है। फर्नीचर जो है क्या है हमारा? रिफंडेबल नेचर का है। 4 लाख रुपया फर्नीचर रिफंडेबल नेचर का है। लेकिन रेंट मकान मालिक को दे दिए, बोलेंगे उसमें 2,000 वापस कीजिए, 10 रुपये वापस कीजिए, करेगा? नहीं। सैलरी स्टाफ वापस करेगा? बिजली बिल वापस होगा? नहीं। तो ये सब नॉन रिफंडेबल में आ गया, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब किस में आ गया? नॉन रिफंडेबल। ये क्यों लकी है? जो पैसा से पैसा वापस आ सकता है उसको हम लोग बिजनेस में बोलते हैं एसेट्स है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग बिजनेस में? एसेट्स। और जो पैसा वापस नहीं आता है वो बिजनेस में बन जाता है एक्सपेंस। वो क्या बन जाता है बिजनेस में? ये इतना पॉइंट समझे हैं आप? समझ पाए इतना पॉइंट? पैसा या तो आएगा या तो जाएगा। आएगा तो देखना है कि वापस करना है कि नहीं करना है, वापस नहीं करना है तो इनकम, वापस करना है तो लाइबिलिटीज। अभी समझ में नहीं आता होगा, धीरे धीरे माइंड सेट होगा, धीरे धीरे फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी जब तक गौर करते हैं हम आगे बोलते, तो कोई बड़ा बात नहीं है।
उसी प्रकार पेमेंट, हम कुछ पेमेंट कर दिए, कुछ पेमेंट से पैसा वापस आ सकता है तो हमारा एसेट्स है, समझ रहे हैं? आप एक सोना का जेवर खरीदे हैं, गोल्ड खरीदे हैं, क्या हो गया, एसेट्स है ना, ठीक है? लेकिन मोबाइल का रिचार्ज कराए, चाट खा लिए, झूला झूल लिए, सब सब क्या है, एक्सपेंस है। अभी देखते होंगे तो मम्मी एक्सपेंस नहीं करना चाहती, एसेट्स बनाना चाहती है। अब अभी मम्मी को बोलिए कि चलो 2000 रुपये का पार्टी करते हैं, मम्मी साथ गुस्सा करेगी, लेकिन बोलिए कि हम 10,000 का जेवर एक अंगूठी खरीदेंगे सोना का, मम्मी खरीद देगी, क्योंकि एसेट्स है ना, वापस आएगा। लेकिन 2000 जो गया उसमें से कुछ वापस नहीं आएगा, लगता है बर्बाद है, समझ पा रहे हैं आप? तो इसी तरह हम लोग पूरा समराइज कर लिए, समझ? तो समराइज करके हम लोग क्या क्या निकला, लायबिलिटीज, इनकम, एसेट्स और एक्सपेंस, पक्का? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है छांट के क्या होगा, पहला तो छांट लिए हम लोग, अब छांट के क्या होगा, छांट के क्या होता है, ध्यान दीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस में दो स्टेटमेंट बनाते हैं, दो स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट एक बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट, दूसरा बनाते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। नाम से लग रहा है इनकम स्टेटमेंट जो बताता है कि आप कितना कमाते हैं, इनकम क्या है आपका, नहीं? तो एक इनकम स्टेटमेंट, एक पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में क्या करते हैं, एक तरफ हम एक्सपेंस लिखते हैं, एक तरफ इनकम लिखते हैं। तो एक्सपेंस में क्या क्या था, हम लोगों को तो याद ही हो गया, इनकम छाटे थे, इनकम में मेरा एक ही इनकम है ना, क्या, फी, याद है, 50,000। और एक्सपेंस में क्या क्या हम लोगों का, सबसे पहला था रेंट 20,000, सैलरी 10,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,000 ना। तो हमारा टोटल एक्सपेंस, टोटल इनकम कितना हुआ मेरा, 50,000, और टोटल एक्सपेंस मेरा 32,000, ठीक है? अब दोनों का अंतर निकालेंगे तो अंतर कितना आ रहा है, डिफरेंस 18,000 क्या है मेरा, प्रॉफिट ही लॉस है। अगर ये पॉजिटिव है तो इनकम ज़्यादा है ना, इसका मतलब क्या है, ये प्रॉफिट। और ये उल्टा रहता तो इनकम रहता 32,000, ये एक्सपेंस 50,000, तो क्या होता, 18,000 का लॉस होता पक्का। तो अगर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो लॉस। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए हम पूरा छांट के पूरा एक इनकम स्टेटमेंट बना दिया। अब हमको समझ में आ रहा है मेरा बिजनेस में कैसा चल रहा है। कोई पूछेगा आपका कैसा सीए ग्रुप कैसा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, इस बार भी 18,000 का प्रॉफिट कमाए हैं इस महीने में, गलती से कैसे कमाए, तो टोटल मेरा 50,000 का इनकम हुआ है और 32,000 खर्चा हुआ है। क्या क्या खर्चा 32,000 हो गया है तो बता देंगे आराम से, रेंट 20,000 का गया है, सैलरी 10,000 का, इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,000 का, गलती से। लेकिन ये देखने से कुछ बता पाएंगे, देखिए तो ट्रांजेक्शन देखने से कुछ बता पाते, देखिए तो इसको देखिए कैसा लग रहा है, लग रहा है काम का है, अब काम का लग रहा है ना आपको। एक पोजीशन स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट में क्या करते हैं, एक तरफ हम लोग लिखते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, तरफ लिखते हैं एसेट्स, पक्का? तो हम बोलते हैं कैपिटल हमारा कितना है, 2,00,000, लायबिलिटीज हमारा कितना है, 3,00,000, एसेट में हमारे पास एसेट्स में क्या है, फर्नीचर कितने का, 4,00,000 का फर्नीचर है ना, ठीक है? तो आप कोई पूछेगा कि आपका स्थिति क्या है, कितना आपके पास संपत्ति है, तो 4,00,000 का एसेट्स है हमारे पास और 5,00,000 का टोटल कर्जा है, 2,00,000 का कैपिटल है और 3,00,000 का लायबिलिटीज है। ये भी इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आगे अकाउंटिंग पढ़ेंगे ना तो बोलेंगे दोनों बराबर होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स होता है, पढ़ेंगे, बहुत बड़ा अकाउंटिंग इसी पे बेस्ड है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स। तो आप बोलेंगे सर बराबर कहाँ हुआ, नहीं मन में क्वेश्चन आ रहा है, पूरा अकाउंटिंग कंप्लीट नहीं की इसीलिए बराबर नहीं हुआ, अब कंप्लीट करके बताते हैं। अच्छा यहाँ तक समझ में आया, टाइम अभी होगा, अच्छा खासा टाइम होगा, है टाइम अभी। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभी शुरू भी मान लीजिए आपका शादी होगा तो पापा लड़के में यही दो क्वालिटीज देखते हैं, लड़के का इनकम स्टेटमेंट देखेंगे और इनकम पोजीशन स्टेटमेंट देखेंगे। इनकम स्टेटमेंट का मतलब लड़का का क्या कमाता है, उसका क्या इनकम है, मतलब कि सही। अब या तो बिजनेस हो गया तो या तो सैलरी होगा, होगा लेकिन होगा तो इनकम ही, देखते हैं लड़का का कमाता क्या है। अभी जैसे कैसे 18,000 रुपये कमा रहा है महीने का, तो पापा भी यही देखेंगे इनकम स्टेटमेंट। दूसरा देखते हैं पोजीशन स्टेटमेंट, लड़का का क्या प्रॉपर्टीज़ है, कर्जा वर्जा तो नहीं है, कितना संपत्ति है उसके पास और कितना कर्जा है, लायबिलिटीज़, यही देखते हैं ना। तो कभी कभी पास दोनों अगर अच्छा मिल गया है तो सोने पे सुहागा, लेकिन दोनों जल्दी जल्दी नसीब से नहीं मिलता है, क्योंकि अगर लड़का अगर जॉब वाला है तो मालूम पड़ता है फैमिली बैकग्राउंड बहुत गरीब घर से, उसका प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी है तो लड़का लक हुआ है, कमाता ज़्यादा नहीं है, नहीं। अगर रईस घर का है और आईएएस ऑफिसर हो तो सोने पे सुहागा, जल्दी सही, खानदानी रही से जमींदार का बेटा अगर आईएएस ऑफिसर हो उससे चला का क्या हो सकता है,
हो सकता है? जमींदार नहीं जानते क्या होता है। हाँ बहुत सारा जमीन होता है, और उसका बेटा अगर आईएएस ऑफिसर हो तो उससे अच्छा लगा हो सकता है, उसका पोजीशन स्टेटमेंट भी अच्छा है और इनकम स्टेटमेंट भी अच्छा है। लेकिन लोग ज्यादा किस पे जाते हैं, इनकम पे, क्योंकि पोजीशन पे ध्यान देता है। बताइए तो, इनकम पे, इनकम पे वही है। लड़का किसान, घर किसान का बेटा है लेकिन आईएएस ऑफिसर है, तुरंत पापा हाथ दे देंगे, नहीं लेकिन बहुत पैसा वाला है और करता कुछ हो नहीं, देंगे क्योंकि बेच खा जाएगा। बोलता है कुबेर भी अगर कमाना बंद कर दे तो उसका भी धन एक दिन खत्म हो जाएगा। गलत की सही, कितना ही पैसा हो अगर कमाना बंद कर दीजिए तो खत्म हो जाता है। जैसे मुंबई में हमारे ससुराल वाले सब बिरला फैमिली में जॉब करते हैं, तो बिरला फैमिली क्या हो गया, बहुत कभी नाम था बिरला ग्रुप, अभी क्या हो, उसका बेटा लोग अफवाह निकल गया। एक्चुअली मम्मी पापा का प्लेन क्रैश हुआ तो खत्म हो गया उसी में, तो बेटा लोगों को सब परवरिश ठीक से मिला नहीं, जितना प्रॉपर्टी था सब बिक गया, एक जनरेशन में खत्म कर दिया, सारा बंगला बिक गया, सारा कुछ बंगला है तो सब गिरवी पे रखा हुआ है, सब कर्जे में, और ये अमानी है संभाल लिया, तो खनन प्रॉपर्टी खत्म होने में जो खर्चा भी तो उतना होता है। अब अरबों का संपत्ति था, अरबों का खरबों का संपत्ति था, लेकिन खर्चा भी तो लोग का करोड़ों में अरबों में होता है। सब बिक गया धीरे धीरे, सारा उसका सारा बिक गया, सारा रिसोर्ट वगैरह सब बिक गया, धीरे खत्म हो जाएगा। चलिए तो अब ये बराबर होता है, कैसे बराबर होता है जान दीजिए, अकाउंटिंग में इतना ही नहीं बनाते हैं, उसके बाद लास्ट में ना अकाउंटिंग में तो ये इतना करते हैं, इसके बाद कुछ और करते हैं, क्या आप करते हैं ध्यान दीजिए। इसमें हम लोग एक एसेट्स नहीं लिखे, कुछ हमारे पास कैश भी है, नोटिस किए हैं, कैश बचा हुआ है, क्योंकि कैश याद कीजिए, कैश हमारे पास शुरू में 2 लाख रुपया कैपिटल से आया था, उसके बाद हम लोग देखे 4 लाख रुपया लोन से आया था, 3 लाख ना, 3 लाख आया था लोन से, तो हमारे पास कैश कितना हो गया था, 5 लाख, उसमें से खर्च कितना किए थे, फिर 4 लाख का फर्नीचर खरीदे थे, तो हमारे पास कितना बच गया था, 1 लाख, फिर क्या हुआ था, 50,000 ट्यूशन फीस आया था ना मेरे पास, तो मेरे पास कितना पैसा हो गया था, 1.5 लाख, फिर उसमें से खर्चा कितना कर दिए, 32,000 रेंट दे दिए, 20,000 सैलरी, 10,000, 32,000 खर्च कर दिए। इसका मतलब हमारे पास कैश भी है, कितना कैश पड़ा है, 18,000, 1,18,000, 1,18,000 बचा है ना, इसका मतलब हमारे पास कैश भी कितना पड़ा हुआ, 1,18,000। तो एसेट्स में हमारे पास एक एसेट्स और है छुपा हुआ, कौन सा, इतना 1,18,000, ये समझ में आया आपको, वो भी तो हमारा एसेट्स ही है ना, 1,18, तो ये कितना आ गया हमारा, 5,18,000। अब बोलेंगे सर यहाँ तो 5 लाख हो रहा, 18,000 कहाँ हो रहा है, अभी भी अंतर आ रहा है, तो गौर कीजिएगा हम भी। हाँ बिल्कुल बोलिए, हाँ क्योंकि देखिए हम कैपिटल लगाए, जो प्रॉफिट हुआ किसका हुआ, हमारा ना। आज एक आप 500 रुपया लेके मान लीजिए रेल निकले बिजनेस करने के लिए, 500 रुपया घर से लेके निकले, तो 500 रुपया क्या था ना, कैपिटल था, कि 500 का नारियल खरीदे और बस स्टॉप पे निकल के बेचने के लिए, नारियल 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 700 का नारियल बेचे, तो इनकम कितना हुआ इनका, 700, और एक्सपेंस कितना हुआ, 500, प्रॉफिट कितना हुआ, 200। अब इनके पास कैश कितना होगा, 700 होगा ना, 700, तो जब दूसरे दिन ही घर से निकलेंगे तो इनके पास कैपिटल कितना है, 700, जो प्रॉफिट हुआ किनका हो गया, वेद का, जो प्रॉफिट है कैपिटल में ऐड हो जाता है, तो जो 18,000 का प्रॉफिट है वो हमारा है, मतलब हमारे पास कैपिटल 2 लाख नहीं है, कैपिटल हमारा 2,18,000 है, जो प्रॉफिट हुआ तो ऐड कर देखे ना, आज कल इसके पास कैपिटल 500 का था, आज कैपिटल कितना है, आज 700 का है ना, जो 200 कमाए किसका हो गया, आपका हो गया ना, तो कैपिटल 700 हो गया, तो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है, लॉस से कैपिटल घटता है, तो जो प्रॉफिट होता है तो हम लास्ट में क्या करते हैं, जो प्रॉफिट होता है कैपिटल में ऐड कर देते हैं, अगर लॉस होता है तो माइनस कर देते हैं। अब आ गया 5,18,000, इसलिए बोला गया है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स होता है, हमेशा बराबर होता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स, यही अकाउंटिंग है। आपको समझ में आया, कितना अच्छा लग रहा है अभी इन्फॉर्मेशन देखिए तो, नहीं इसको देखिए इसको देखिए, नहीं ये कोई काम का लग रहा है, देखिए तो कन्फ्यूज लग रहा है, कुछ है लेकिन ये कितना काम का लग रहा है, नहीं सी ए गुरुकुल 18,000 रुपये कमाता है, इसका इनकम 50,000 का इनकम है, खर्चा 32,000 का है, खर्चा में क्या क्या खर्चा है, रेंट है, सैलरी है, बिजली बिल है, नहीं 18,000 का नेट प्रॉफिट है, ये 2 लाख रुपये कैपिटल लगाया था, 18 का प्रॉफिट हुआ, ऐसा कैपिटल 2,18 हो गया, 3 लाख का जाए टोटल इसका कैपिटल प्लस लाइव 5,18,000, उतना एसेट्स भी होना चाहिए, है उतना एसेट्स, 4 लाख का फर्नीचर, 1,18,000 रुपये कैश पड़ा है। ये तब मेरा रियल नॉलेज किसी के पास भी, आपको भी बताया मेरा रियल स्थिति क्या है, तो जैसे आपके पापा आपको शादी करने के लिए ये चीज़ देखते हैं, तो बैंक लोन देने के लिए भी यही चीज़ देखता है, जब बैंक लोन देगा तो क्या क्या देखेगा आपका, यही देखेगा आपका इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट, आप क्या कमाते हैं और क्या प्रॉपर्टी, इसी हिसाब से आपको लोन देता है, करोड़ में कमा रहे हैं तो करोड़ों में लोन मिलेगा, लाख में कमा रहे हैं तो लाख में लोन मिलेगा, एक रिक्शा वाला को थोड़ी लोन होता है, क्यों नहीं होता है, उसका इनकम ही नहीं, जितना बड़ा कंपनी उतना बड़ा लोन, वो कैसे पता चला कंपनी बड़ी है,
आपको लोन लेना है तो क्या करेंगे आप, जाके बैंक मैनेजर जाके बोलेंगे चलिए दिखाते हैं आप घर मेरा कितना जेवर है, माई की रिया मेरा बहुत जमीन है, ऐसा होगा? हाँ चलिए दिखाते हैं आप, कैसा होगा, क्या करेंगे आप? उसके सामने इनकम स्टेटमेंट और पोजिशन स्टेटमेंट रख देंगे पक्का, तो मन में आ रहा होगा सर कुछ और लिख के रख देंगे, नहीं वहाँ पे सीए का जरूरत होता है, जब रखेंगे तो सीए का साइन चाहिए, जो लेगा उस किसमें क्या चाहिए, सीए का सिग्नेचर, क्यों सीए का सिग्नेचर चाहिए, बैंक वाला थोड़ी चेक करने आएगा, सीए को इसीलिए तो रखा गया है कि आप चेक कीजिए, आप चेक कीजिए सही है गलत है, हम चेक करके देंगे साइन करेंगे, और हम साइन करेंगे तो क्या झूठा साइन कर देंगे, हम साइन करेंगे तो पहले आप बोलेंगे मेरा इतना का फर्नीचर है, तो बोलेंगे फर्नीचर का बिल दिखाइए, इतना लोन है लोन का पेपर दिखाइए, सैलरी दी है सैलरी स्लिप दिखाइए, रेंट है तो पहले रेंट एग्रीमेंट दिखाइए, समझ पा रहे हैं आप, बिजली दी है बिजली बिल दिखाइए, हम सब चेक करेंगे फिर जाके हम साइन करेंगे ना, कैसे साइन कर देंगे, आप बोल दीजिएगा लिख दीजिए मेरा इनकम 2 करोड़ रुपया है, खर्चा 50 लाख, 1.5 करोड़ का प्रॉफिट, हम साइन कर देंगे, नहीं प्रोसेस समझे कैसे प्रोसेस होता है, बैंक लोन कैसे देती है, यही दो चीज़ देखिए, इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन, इसको हम लोग पीएल अकाउंट बोलते हैं, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, इसको बैलेंस शीट बोलते हैं, प्रूफ ऑलरेडी देता है या फिर पहले सीए को मांगना पड़ता है, मतलब जैसे कि बिजली बिल, मतलब ठीक है मेरा सैलरी इतना है, हम बता रहे हैं आपको, पहले समझिए, पहले हम कोई भी चीज़ उल्टे अप्रोच से जाते हैं तो ज्यादा समझ में आता है, हमें मेरा मानना ये है, हम सब जगह उसे ही पढ़ाएंगे आपको, ऐसे पढ़ाएंगे लोग, ऐसे पढ़ाता है नहीं सॉरी लोग ऐसे पढ़ाता है, हम ऐसे पढ़ाएंगे आपको समझ, हम सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन जनरेट कीजिएगा ना, आंसर मिलते चला जाएगा, सबसे पहला बैंक आपको लोन देगा तो उसको क्या चाहिए, हम सबको देखिए समझा देते हैं, एकदम मस्त समझ में आएगा, बैंक लोन देगा तो क्या चाहिए, तो देखिएगा आप क्या कमा रहे हैं और कितना संपत्ति है आपके पास, कितना एसेट्स है, तो हम उसको देंगे, तो अब मन में आ रहा है सर तो कुछ भी लिख के दे देंगे, सेकंड क्वेश्चन है कुछ भी लिख के दे देंगे और बैंक आपको दे देगा, तो बैंक कुछ भी लिख के देने थोड़ी होगा, बैंक बोलेगा इसमें सीए सर्टिफाइड लाइए कि सीए चेक किया है आपका, जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपको कहीं पर मेडिकल लीव चाहिए तो आपको डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है ना, कि पापा लिख के दे देते, मम्मी लिख के दे देते, हमारे बेटा बड़ बीमार है नौकरी छुट्टी दे दिया, करा पता होता है वहाँ पर कितना सिग्नेचर होता है, वो अधिकार किसके पास है, दूसरे लिखने से होगा, उस समय हम भी लिख के देंगे तो नहीं होगा, सीए भी लिख के नहीं देगा तो होगा, लॉयर भी लिख के देगा तो नहीं होगा, उस समय किसका जरूरत पड़ेगा, डॉक्टर, और क्या रहता है डॉक्टर बिना बीमारी का आपको बीमारी लिख सकता है, फंस जाएगा उसका डिग्री आ जाएगा, उसका हॉस्पिटल क्लिनिक बंद हो जाएगा, तो डिग्री दिया है थोड़ी यूज कर सकते हैं, तो आज हम आप करोड़ों का लोन दिलवा सकते हैं, आपके पास कुछ नहीं है लेकिन हम करोड़ों का लोन दिलवा सकते हैं, मतलब होता है तो फंसता भी तो बहुत लोग है, मतलब नहीं तो छोटा मोटा चीज के लिए, बड़ा बड़ा चीज के लिए ना, जैसे आपको दिल्ली जाना है ट्रांसफर करवाना है 10 दिन का छुट्टी तो नहीं होता है ना, छोटा मोटा के लिए चलता है ना, तो छोटा मोटा साइन हम भी कर देते हैं, अब कोई हमको बोलता है कि इसमें, जैसे कि हमारे एक मोहल्ला के भैया, उनको 2 लाख रुपए का लोन चाहिए, अब बैलेंस शीट बनाए कुछ बना दिए साइन कर दिए, 2-4, 10 लाख रुपए में क्या पड़ने वाला, उसमें कोई मायने नहीं करता है, ये बात करोड़ों का हो रहा है तभी समय नहीं करता है, अभी लड़का बोले किराना का दुकान है 50,000 रुपए का महीना कमाता है, तो उसको क्या वेरीफाई करेंगे, लेकिन लड़का जॉब करता है इसका सैलरी, तब सैलरी स्लिप देखेंगे ना, छोटे मोटे चीज़ में कौन चलता है उतना इग्नोर कर देते हैं, तो छोटा तबियत खराब है तो डॉक्टर क्या फंसेगा, बोले तबियत खराब था ठीक हो गया, लेकिन ये बोलना है कैंसर है हमको कहीं पास कैंसर के नाम पे 10 लाख रुपए मिल रहा है तो हम इसको कैंसर नहीं लिख सकते ना, उसके लिए हमको टेस्ट करना पड़ेगा तब देंगे ना, बड़ा अमाउंट के लिए बड़ा चाहिए ना, 500,000 तो छोटा मोटा चीज चलता है, वो तो किसी को बोले या बगल घर से मुझे चपत्ती चाहिए तो चपत्ती का पैसा लेगा वो तो फ्री में दे देता है, तो ये एक्सेप्शन केस है, छोटा मोटा अमाउंट में चलता है वो हम भी कर देते हैं साइन, बिना चेक किए साइन कर देते हैं, हम भी कुछ साइन करते हैं तो छोटा मोटा अमाउंट है तो क्या करते हैं नॉर्मली साइन कर देते हैं, लेकिन बड़ा अमाउंट है कुछ भी देखते हैं तो डाउट होता है तो वहाँ पर मांग देते हैं नहीं साइन नहीं करेंगे, समझ रहे कि नहीं, क्योंकि हमारे जॉब पे आ जाएगा, हमारे मतलब हमारे डिग्री पे आ जाएगा, तो वो बोलेगा सीए साइन करवा के आइए, तो वो हमारे पास आएगा तो सीए साइन करने के लिए, हम बोलेंगे ठीक है आप फी दिखाएं तो आपका मनी रिसिप्ट दिखाइए आप, जैसे फी के लिए एविडेंस क्या है, हम उसका चेक करेंगे इतना कलेक्शन आया है कि नहीं आया, डेट वाइज चेक करेंगे, समझ पा रहे हैं आप, तो इसकी इनकम का प्रूफ है, हर एक हम प्रूफ मांगेंगे उसे, हर एक प्रूफ मांगेंगे, समझ पा रहे हैं चीज़, तो उसके बाद बोलेगा रेंट दिए हैं तो हमको पहले वो रेंट एग्रीमेंट चेक करेगा, आपका अपना घर तो नहीं है तो रेंट एग्रीमेंट दिखाइए, समझ पा रहे हैं, रेंट एग्रीमेंट हो तो आप रेंट स्लिप दिखाइए, जब जब हम लोग बिजनेस में आते हैं तो हर एक पेमेंट का एविडेंस बनवाते हैं, ऐसे कोई पेमेंट नहीं करते, नोटिस कीजिएगा कहीं बड़े पेमेंट पे लाने जाइए तब साइन करवाते हैं, नोटिस किए हैं ऐसे नहीं दे देता है, आप कहीं बड़ी जगह पे जाइएगा, यहाँ तो कंपनी है ही नहीं, छोटा मोटा लोग है, तो वहाँ का जैसे ऑफिस का पेन भी लेने जाता है ना, तो पेन का वहाँ से वो वाउचर बनवाता है, बोलता है हमको वाउचर दे दीजिए, तो लिख के देता है पेन, समझ पा रहे हैं, ऐसे करके पेट्रोल लाने जाता है तो पेट्रोल से भी बिल ले लेता है, वो लोग देता है अकाउंटिंग तब तो होगा, तो हम सब एविडेंस चेक करेंगे, आप फी का रिसिप्ट दिखा दीजिए तो हम बोलते 50,000 इनकम है आपका, रेंट दिखा दिए 10,000, सैलरी दिखा दिए, सैलरी स्लिप दिखा दिए, बिजली बिल हम कर दिए, आपका इनकम सही है 32,000, 18,000 इनकम है आपका पक्का,
लोन पेपर दिखा दिए, लोन एग्रीमेंट दिखा दिए, फर्नीचर हम आपका फर्नीचर का बिल चेक कर ली, कहाँ कहाँ से फर्नीचर खरीदे, फर्नीचर का बिल दिखा लीजिए, और फर्नीचर चेक कर लिया, आप कैश चेक कर लिया, हो गया सब सही, हम साइन मार देंगे, तो बैंक वाला निश्चिंत हो गया, चेक करने का जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गया, और हम तभी साइन करेंगे जब हम सब चेक करेंगे, इसको बोलते हैं ऑडिट करना, और जो बनाना है इसको बनाना अकाउंटिंग कहलाता है, चेक करना ऑडिटिंग कहलाता है, तो सीए का काम बनाना नहीं है, बनाना अकाउंटेंट का काम है, मेरा काम सिर्फ देख करके साइन करना है कि सब कुछ सही है कि नहीं, समझ पा रहे हैं आप, अकाउंटेंट बनाता है डेली बेसिस पे, और सीए उसको लास्ट में चेक करता है, हर एक चीज खाली वेरीफाई करता है जो आप किए हैं सही है कि नहीं, सही 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 है तो साइन कर देते हैं हम लोग, समझ पा रहे हैं, तो यही अकाउंटिंग है, तो मोटा मोटी अकाउंटिंग समझ में आ गया होगा अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन को हम लोग इस तरह से प्रोसेस करते हैं कि ताकि वो प्रोसेस था बीच में, पहला पेज था अकाउंटिंग, ये ट्रांजेक्शन था, ये ट्रांजेक्शन था, ये क्या था प्रोसेस था, और ये क्या था फाइनल रिजल्ट था, और यही घूमता रहेगा पूरा अकाउंटिंग में। लेकिन जिस तरह से हमें डब्बा बना के बनाए ऐसे ही नहीं घूमता है, ये सीरीज में घूमता है, जर्नल लेजर के थ्रू घूमेगा, इस तरह से डब्बा के थ्रू नहीं घूमेगा, जर्नल बनाएंगे उसे लेजर बनाएंगे उसे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे उसे सुनेंगे, तो ये ऐसा नहीं दिखेगा, दिखा दिए लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो अलग सीरीज में होगा, अलग तरीके से होगा, लेकिन होता यही है, होता यही है, लेकिन तरीका उसका अलग रहता है, हम लोग पिक्चराइज करा दिए एग्जाम्पल के थ्रू, ऐसे ही होता है, सारे ट्रांजेक्शन को लेंगे उसको प्रोसेस करके एक्सपेंस अलग करेंगे, इनकम अलग करेंगे, कैपिटल अलग करेंगे, लाइबिलिटीज अलग करेंगे, एसेट्स अलग करेंगे, ये अकाउंट पांच तरह के होता है, यही पांच अकाउंट्स है, कैपिटल देख रहे हैं पांच चीज, एक्सपेंस इनकम कैपिटल लाइबिलिटीज, पूछेगा अकाउंट कितने तरह के होते हैं तो पांच तरह के, कौन कौन सा, एक्सपेंस इनकम कैपिटल लाइबिलिटीज और एसेट्स, ये मॉडर्न टेक्निक से, पुराने मेथड से तीन तरह का होता है, पर्सनल रियल और नॉमिनल, कंफ्यूज मत होइएगा, पहले बता दिए कोई पूछेगा तो हम तीन तरह का पढ़े हैं, तो मतलब ट्रेडिशनल तुम पढ़े हो, मॉडर्न से कौन पांच तरह का है, कौन कौन, एक्सपेंस इनकम कैपिटल लाइबिलिटीज एसेट्स, मतलब हम कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, देखिए हम ट्रांजेक्शन सब कुछ किए ना, या तो पैसा आएगा या तो जाएगा, आएगा या तो वापस करना है या तो नहीं करना है, गया तो या तो वापस आएगा तो नहीं, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो मतलब दुनिया में कितना भी ट्रांजेक्शन कर ले यही पांच चीज में से कुछ होगा, या तो एक्सपेंस होगा या तो इनकम होगा या तो कैपिटल होगा या तो लाइबिलिटीज होगा या तो एसेट्स होगा, आप कुछ भी बोलिए, आप कोई भी दुनिया का एक भी ट्रांजेक्शन बोल दीजिए जो आपके पापा ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें से कोई एक होगा। पर्सनल मतलब अब कंफ्यूज हो जाएगा, बताएंगे बाद में, इसी को नाम दिया गया है, जैसे कि एक्सपेंस इनकम उसको नॉमिनल अकाउंट का नाम दिया गया, इसी का नाम चेंज है पुराने मेथड से, समझे आप, कंफ्यूज कीजिएगा, मत बताएंगे इसका खाएंगे तो बताएंगे क्यों, मतलब उसका मतलब ही नहीं है, बस खाली इतना बता दिए ना, कोई बोलेगा हम लोग तीन तरह का पढ़े हैं तो उसको सिर्फ ये बोलना, अच्छा पर्सनल रियल नॉमिनल बोलेगा, तो आप क्या सर कुछ बता रहे थे, अच्छा अच्छा समझ गए, ट्रेडिशनल से पढ़े हो तुम, समझ पा रहे हैं, किताब में लिखा हुआ है ट्रेडिशनल भी है मॉडर्न भी है, हम आपको जो सिखाएंगे मॉडर्न अप्रोच सिखाएंगे, समझ रहे हैं, अभी जो हम सिखा रहे हैं आपको मॉडर्न अप्रोच है, किताब लाएंगे ना जब खरीदेंगे तो उसमें दिखा देंगे, किताब खरीदेंगे क्या अभी मत लीजिए, खरीदेंगे तो आप देख लेंगे, दोनों है ट्रेडिशनल भी है और मॉडर्न भी है, तो हम आपको कौन सा सिखा रहे हैं, मॉडर्न सिखा रहे हैं, तो ये पॉइंट समझ में आया, अब क्या अब इतना मैं स्टॉप कर दें आज, देखिए इसमें क्या होता है पढ़ाने के बाद क्या करते हैं ना, अब हम लोग जो पढ़ा रहे थे तो यहाँ पर जो देख रहे हैं जितना पढ़ा रहे हैं ये सारा स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है, अब इसको हम स्टॉप रिकॉर्ड